अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट के लिए दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की। अमेरिकी सैनिकों को अचानक अफगानिस्तान से बुलाना अमेरिका को अब भारी पड़ रहा है। खुद अमेरिका में भी इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बाइडेन प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोला। लेकिन दुनिया भर में अपमान सह चुका अमेरिका अब तालिबान और उसके सहयोगियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। तालिबान के खिलाफ इस विधेयक को लेकर पाकिस्तान अब बेहद घबरा गया है। मजे की बात तो यह है कि इस विधेयक में पाकिस्तान का बकायदा नाम लिया गया है। ये साफ है कि आने वाले दिन तालिबान के लिए अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के लिए तो बेहद खराब हैं। इस विधेयक में तालिबान को तो बैन करने की बात हो ही रही है, साथ ही तालिबान के समर्थक देशों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। वैसे पाकिस्तान का ये चेहरा भारत पहले ही दुनिया के सामने ला चुका है। बहरहाल खुद को फंसता देख पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस बिल पर आपत्ति भी जाहिर कर दी है। इस ड्राफ्ट बिल में लिखा है कि साल 2001 से लेकर साल 2020 तक तालिबान के समर्थन में सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के समर्थन का आकलन किया जाएगा। इस ड्राफ्ट बिल में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान सरकार की भूमिका के बारे में आकलन किया जाएगा, यानी पाकिस्तान की एक एक हरकत से पर्दा उठाया जाएगा। इस बिल में कहा गया है कि आर्थिक, खुफिया और जमीनी सहायता के अलावा रणनीतिक ट्रेनिंग को लेकर पाकिस्तान सरकार की भूमिका को परखा जाएगा। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इसके अलावा बाइडेन प्रशासन से यह भी कहा है कि पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के लड़ाकों के खिलाफ तालिबान के सपोर्ट में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही थी, उसका भी आकलन होना चाहिए। 57 पेजों के इस बिल का नाम अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, जिसका मकसद तालिबान और तालिबान समर्थक देशों को दंडित करना है और उन पर प्रतिबंध लगाना है। जानकारी के मुताबिक इस बिल के सेक्शन 202 में पाकिस्तान का नाम लिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से तालिबान को मदद पहुंचाई, उसकी समीक्षा की जाए। अगर ये बिल पास होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध का रास्ता तैयार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने अमेरिका के साथ खराब होते संबंधों को लेकर चिंता जताई है। अब्दुल बासित ने कहा, 108 दिनों में अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत मुश्किल होगी। बिल में पाकिस्तान को लेकर जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही चिंताजनक है। अमेरिका में हमारी कोई लॉबी नहीं है, अमेरिका में जो चुनौती है उसे लेकर कोई काम नहीं कर रहा है। बासित ने कहा कि पाकिस्तान में लोग अपना पद बेचने में लगे हैं। हमें मालूम है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्तों को यही सोचकर छोड़ दें। बहरहाल अब आपको बता दें कि अमेरिका ने पूरा मन बना लिया है कि वो अपने अपमान का बदला पाकिस्तान से लेकर रहेगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।